हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। रिया का ड्रग्स कनेक्शन और ये सितारों की ड्रग्स मंडली है, इसी को लेकर कल बीजेपी सांसद रवि किशन ने सवाल खड़े किए, चिंता जाहिर की। और अब सांसद रवि किशन के बयान पर राज्यसभा सांसद हैं जया बच्चन, उन्होंने निशाना साध दिया। और जया बच्चन ने रवि किशन का बिना नाम लिए बॉलीवुड की छवि खराब करने का आरोप लगाया। लेकिन सवाल यह है रोमाना कि कारपेट के नीचे गंदगी छिपाने की कोशिश जो कर रहे हैं वो कैसे छवि ठीक कर पाएंगे। और सवाल ये कि क्या जया बच्चन बॉलीवुड में किसी को बचा रही हैं? नशे की दवाइयों हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे एक स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए। यस्टरडे वन ऑफ आवर मेंबर इन द लोकसभा स्पोक who is from the industry against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। I need the protection, the industry needs the protection and support of the government. तो सीधे रुक कर लेते हैं इस बड़ी खबर पर। हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह जो लगातार सुशांत और रिया केस पे आपको पल पल की कवरेज दे रहे हैं, खबरें दे रहे हैं, लेकिन मामला आगे बढ़ता हुआ जैसी हमारी चर्चा लगातार मृत्युंजय हो रही थी, अब बॉलीवुड के बीच में दरार स्पष्ट दिखाई पड़ने लग गई है। रवि किशन कुछ सवाल उठाते हैं और जो वंशवाद की बात चल रही थी, एक बड़े वंश की नेत्री, बड़ी अभिनेत्री राज्यसभा में, उन पर सवाल उठा देती हैं। कहां तक जाएगी बात? बिल्कुल राजकिशोर जी, सवाल तो यही उठता है कि आखिरकार इस प्रकार से रवि किशन के मुद्दों को आप सराहना करने के बजाय उस पर आप निशाना क्यों साध रहे हैं? आप कह रहे हैं कि जिस थाली में खा रहे हैं उस थाली में छेद कर रहे हैं। नहीं, जिस थाली में खा रहे हैं उस थाली को साफ करने की जिम्मेदारी भी बॉलीवुड के जुड़े हुए लोगों की है, जिसे रवि किशन ने कल संसद में सबके सामने लाया। इसमें कोई संदेह नहीं कि बॉलीवुड में लाखों लोग काम करते हैं, लेकिन उन्हें उनके फैन फॉलोअर्स होते हैं, लोग उनको कॉपी करते हैं, बच्चे उनसे सीखते हैं, तो एक वरिष्ठ अभिनेत्री को तो उनका समर्थन करना चाहिए था। कंगना रनौत ने जब नाम लिया और कहा कि मुझे अगर सपोर्ट मिले, मुझे सुरक्षा मिले, तो मैं बॉलीवुड में ड्रग नेक्सस, ड्रग रिंग के लोगों के नाम उजागर करूंगी, लेकिन क्या हुआ बीते दिन वो हमने देख लिया। रवि किशन एक सांसद, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर वो खुद बॉलीवुड इंडस्ट्री से है, अगर वो कह रहे हैं कि हमारे बॉलीवुड में कुछ लोग इस तरह से फैले हुए हैं तो गलत क्या कर रहे हैं? ऐसे पर जया बच्चन को सपोर्ट करना चाहिए और खुद एक वरिष्ठ होने के नाते हमारे साथ रहिए। देखिए, जो बात आप कह रहे हैं ना, वो बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि जया बच्चन जिस तरीके से इस पूरे मामले को देख रही हैं, वो कह रही हैं कि जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। लेकिन दरअसल रवि किशन कर क्या रहे हैं? वो शायद जिस थाली में खाया उन्होंने उस थाली की सफाई की बात कर रहे हैं। इसमें गलत क्या है? रवि किशन से बात की हमारे संवाददाता ने, जरा ये बातचीत सुनिए। रवि किशन हमारे साथ हैं। सर, आप पर जया बच्चन जी ने ये आरोप लगाया कि आपने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, जिसमें आप लोग खाते हैं, एक तरीके से बिना नाम लिए कहा कि खाने वाली थाली में छेद करने की बात की उन्होंने। मैं बहुत शॉक्ड, एबीपी न्यूज के मैं सभी दर्शकों को कहूं मैं बहुत शॉक्ड हूं। जया जी हमारी सीनियर है, मैं उनके सेंट्रल हॉल में, पार्लियामेंट में पैर छूता हूं। परिवा अमित जी के साथ हमने काम किया, अभिषेक बच्चन जी के साथ, ऐश्वर्या जी के साथ, रावण फिल्म की एक इतिहास रहा, वो परिवार हमको बड़ा सम्मान करता। जया जी ने मेरा कल व्यक्तित्व सुना ही नहीं, मैंने क्या कहा? जया जी, मैं आपको एबीपी न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैंने कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में ये ड्रग कार्टल जो घुसा है, जो लोग पेडलर्स घुसे हैं, जो हमारी इंडस्ट्री के हमारे बच्चों को, हमारे एक्टर्स को बर्बाद कर रहे हैं, जो अंदर एक बिजनेस कर रहे हैं, वहां धंधा कर रहे हैं, उन नेक्सस को उनकी कमर तोड़ दी। और ये काम है आपका भी, हमारा, मुझे लगा आप मेरा साथ देंगी, आप सीनियर हैं, आप मेरा इसमें समर्थन देंगे कि रवि सही कह रहा, आप हमारी सीनियर हैं जया जी, आप हमारी इंडस्ट्री की सीनियर हैं। आई वॉज वेटिंग कि दैट यू विल सपोर्ट मी, बट आपका ये शब्द, उनको बहुत बहुत हर्ट हुआ मैं।
कि आपने कहा जिस थाली में खाते हैं, तो जया जी मैं किसी थाली में, मुझे कोई थाली पहली बात तो मिली नहीं। मेरा इतिहास पढ़े, भोजपुरी इंडस्ट्री बंद थी, उसको शुरू करने वाला व्यक्ति मैं रहा। मैंने स्वयं को स्वयंभू मैंने खुद को ब्रेक दिया, ना मुझे कोई थाली मिली, ना कोई गॉडफादर मिला, ना मेरी कभी किसी ने मदद की, ना किसी ने मुझे ब्रेक दिया, ना कभी किसी ने मुझे उठाया। हम स्वयं चले, देश ने उठाया, मेरे समाज ने उठाया, मेरे फैंस ने उठाया और रवि किशन एक सुपरस्टार बनाया। मुझे किसी ने नहीं बनाया जया जी, पहली बात तो आप ये मेरे बारे में जान लें। हमने दिन रात मेहनत की, तब मैं 650 फिल्म करके रवि किशन तभी हम बोले ना, जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा, मैं वही रवि किशन हूँ जया जी।